आगे दिखता है उनको, यहाँ से ना हिमालय के दर्शन होते हैं इस जगह से। तो यहाँ पे ना गांधी जी के जन्म से लेके मृत्यु तक का। तो गाइज अभी ना वाटरफॉल से हम लोग नीचे की तरफ आ गए थे रोड रोड में बाइक वाइक स्टार्ट करके। तो यार रास्ते में ना एक जंगल सा दिखा हमको, तो यहाँ पे ना थोड़े बहुत हमने शॉट्स यहाँ पे रिकॉर्ड करे। तो यहाँ पे ना अभी क्या देखा हमने, तो पहाड़ी जो उत्तराखंड के या पहाड़ साइड के रहने वाले होंगे ना तो उनको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। तो इसे ना हम लोग तो लीसा बोलते हैं, ये देखो ये ना ये देखो। तो इसका शायद मेरे ख्याल से, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि इसका यूज़ क्या होता है, शायद से इसका यूज़ ना दवाइयों में किया जाता होगा। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे जो पेड़ है ना उनमें इसी तरह से कट लगे हुए हैं। तो ये क्या है ना, पेड़ों से निकलता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो उसके बाद शायद ही कहीं पे जाके ना स्टोर होता होगा। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी मतलब स्मेल आ रही है इसकी, लीड के जंगलों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो भाई साहब बहुत ही गजब की चीज़ है यार ये। तो अभी इस टाइम पर हमें चीड़ के जंगल में मतलब पूरा ना ऊपर तक देखो, चीड़ का जंगल है पूरा। और इस चीड़ के जंगल में ना एक चीज़ है भाई, चैनल का नाम है MM ब्लॉग एंड डांस। तो भाई साहब कुछ नीचे भाई लोग थे तो चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो उनको भाई लोगों को चैनल का नाम बता दिया। तो भाई प्रमोशन ना खुद पे खुद यहाँ पे करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि अभी फिलहाल चलते हैं नीचे को। यार मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना वो चीज़ मुझे इस चीड़ के जंगल में मिल नहीं रही है। तो गाइज मैं आपको दिखा रहा था, तो हमारे यहाँ पे ना ये जो इसके पत्ते होते हैं ना इसको बोलते हैं पिरू बोलते हैं, और ये देखो सूख जाता है ना, तो सूखने के बाद ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ ना जंगलों में काफ़ी तेज़ी से इसमें लग जाती है आग। तो हैं तो और जो इसका जो फल जैसा होता है ना फल, तो वो खैर यहाँ पे मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, मैंने काफ़ी कोशिश करी आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं तो ढूंढ रहा था। तो उसको बोलते हैं स्यूत। तो आई डोंट नो कि आपके वहाँ क्या बोलते हैं, अगर मेरे को रस्ते में कहीं दिखेगा ना तो मैं वो चीज़ आपको ज़रूर दिखाऊँगा। हम दूर भागे तेरे बिना। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं गांधी आश्रम में। तो ये है सामने गांधी आश्रम का मेन गेट। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर को, और यहाँ सामने मैगी पॉइंट था, मतलब खाने वाने का सीन है, खाना वाना आप खा सकते हो। तो मैंने ना यहाँ पे मैगी वैगी ऑर्डर कर दी थी, तो मैगी वैगी खा ली है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं आगे को और दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे कि यहाँ पे जो गांधी आश्रम है, गांधी आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पूरा गांधी आश्रम की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पे। फिलहाल हम लोगों ने ना गाड़ी तो फिर यहाँ पे पार्क करी हुई है, और बाकी रूम हमने वहाँ पे ले लिया है अपना रूम। बाकी यहाँ पे ये जो है ये है मेन गेट, पहला गेट सामने रहेगा आपका, उसके बाद अंदर आएंगे तो यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग के जस्ट बगल में एक मेन गेट है जो सीधे सिर्फ गांधी आश्रम जहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो गांधी आश्रम के गेट के जस्ट बगल में उत्तराखंड टूरिज़्म का कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ से जो ऊंचाई और यहाँ का और यहाँ के जो निकटतम दर्शनीय स्थल हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से बताई गई हैं। कि बैजनाथ मंदिर यहाँ से 19 किलोमीटर है, बागनाथ मंदिर 40 किलोमीटर, और चंडिका मंदिर 42 किलोमीटर, गौरी मंदिर 49 किलोमीटर, और कांडा मंदिर 67 किलोमीटर है यहाँ से। तो बाकी यहाँ पे गांधी आश्रम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो गाइस गेट के अंदर जैसे हम एंटर होते हैं ना तो सामने रहेगा अपना हिमालय दर्शन। तो यहाँ से भाई साहब हिमालय के दर्शन होते हैं, तो मॉर्निंग में देखेंगे कि यार हिमालय के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से अगर हम सीधे आगे को जाएंगे ना तो ये है अपना गांधी आश्रम, और यहाँ पे है गांधी जी की मूर्ति। तो बाकी वहाँ से अगर थोड़ा सा आगे को हम लोग निकल रहे हैं ना तो यहाँ है गांधी जी के तीन बंदर। तो जिसको हर कोई जानता होगा कि गांधी जी के तीन मंदिर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। तो भाई साहब ये है गांधी जी के तीन मंदिर, और यहाँ इसे ना प्रार्थना भवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ना गांधी जी के जन्म से लेके मृत्यु तक का सारा वर्णन किया गया है, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड राज्य के एक छोटा सा हिल स्टेशन है कौसानी, तो कौसानी में ये स्थित है और इसे ना गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस कहते हैं ना कि ये जब गांधी जी यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम
जब हुआ था ना 1929 में, तो उसके बाद कुमाऊं में घूमने के लिए आए थे। तो कुमाऊं में जब वो निकले थे ना, कुमाऊं में घूमने के लिए अल्मोड़ा, ताकुला और ताड़ी खेत की यात्रा में, तो वो आए थे यहाँ पे कौसानी में, एक चाय का बगान है, तो चाय के बगान के पास आए थे। और चाय के बगान में जो चाय के बगान के मालिक है ना, उनके मतलब गेस्ट हाउस में रुके थे वो। तो ये ना पहले था चाय के बगान, जिसका यहाँ पे चाय का बगान है ना, उनका गेस्ट हाउस है, मतलब गेस्ट हाउस था। तो उनके गेस्ट हाउस में वो यहाँ पे रुके थे। और यहाँ पे रुकने के बाद ना उनने मतलब दो रातें यहाँ पे रुकने का उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि मैं यहाँ पे दो दिन रुकूंगा और करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति थी यहाँ पे। तो हुआ क्या ना, नेक्स्ट डे जब वो उठे ना, अगले दिन उठे, तो बाहर को जब वो योग करने के लिए बाहर को आए, तो उन्हें आगे सामने क्या दिखता है ना नज़ारे, तो आगे दिखता है उनको यहाँ से ना हिमालय के दर्शन होते हैं। इस जगह से हिमालय के दर्शन होते हैं, यहाँ पे योग करने के लिए आए थे तो यहाँ पे हिमालय के दर्शन हुए। तो गाइस वो ना मंत्रमुग्ध हो गए। तो वो आए थे यहाँ पे दो दिन के लिए मात्र, और यहाँ पे रुके वो 14 दिन। तो गाइस मतलब यहाँ का जो व्यू देखा उनने, और यहाँ पे जो हिमालय के दर्शन हुए ना, उन्हें साक्षात हिमालय के दर्शन हुए ना, तो उससे वो मंत्रमुग्ध होके ना, उन्होंने यहाँ को ना मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी कहा गया कि यहाँ आते हैं। तो तब से ना इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। तो गाइस मैं इस टाइम पे हूँ म्यूज़ियम के जस्ट बैक साइड में, और ये म्यूज़ियम ना मतलब इसके अंदर महात्मा गांधी जी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा वर्णन इसके अंदर है। बाकी मॉर्निंग में हर सुबह और हर शाम यहाँ पे होती है प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। और बाकी यहाँ के आसपास ना यहाँ पे बना हुआ है, मतलब लगभग 24 कमरे यहाँ पे अवेलेबल हैं गेस्टों के रुकने के लिए। तो अगर कोई भी यहाँ पे आके रुकना चाहता है ना, तो यहाँ पे रुक सकता है। बाकी उसको बस चार्ज वगैरह देना है, जो यहाँ का जो चार्ज होगा ना वो चार्ज पे करना है। और बाकी जो कौसानी जगह है ना, कौसानी एक बहुत ही प्यारी सी जगह है। और ये जगह ना सुमित्रा नंदन पंत जो कि कवि थे, सुमित्रा नंदन पंत, उनकी भी ये जन्म स्थली कहा जाता है इसको। गाइज यहाँ से ना हिमालय के पूरे दर्शन होते हैं। अब तो फिलहाल ना अभी हम लोग जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर और देख के आते हैं यार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और गांधी जी के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ी थी, हो सकता है कुछ चीज़ें हमने ना पढ़ी हो, तो हमें वो चीज़ें ना इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो बाकी क्या है ना गाइस, मैं यहाँ का ना पूरा ओवरव्यू आपको दिखा दूँगा कि गांधी आश्रम कैसा दिख रहा है। हम दूर भागे तेरे बिना। तो फिलहाल अंदर गए थे हम लोग म्यूज़ियम में, तो म्यूज़ियम में ना काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी ना, वो सारी चीज़ें ना म्यूज़ियम के अंदर जानने को मिली। तो काफ़ी बढ़िया है म्यूज़ियम, और आप भी आओ देखो भाई, बहुत ज़बरदस्त जगह है कौसानी। तो कौसानी में ना बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन ये अनासक्ति जो आश्रम है ना, अनासक्ति आश्रम, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही शांति है। अगर आपको शांति चाहिए ना, तो शांति के लिए भाई साहब यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके कुछ टाइम अपना यहाँ पे बिताओ। और बाकी मॉर्निंग में मिलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ है भाई साहब हिमालय दर्शन, तो यहाँ से देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ से ना चौकम्बा पर्वत और पंचाचूली और नंदा देवी त्रिशूल पर्वत, वो सारे यहाँ से दिखते हैं। तो देखते हैं कल मॉर्निंग में यहाँ से क्या क्या दिखने वाले हैं। तो अभी ना गांधी आश्रम में हमने जो रूम लिया है ना, उसका अभी आपको कराते हैं रूम टूर। तो भाई साहब बहुत ही प्यारा सा रूम मिला हमको यहाँ पे, मतलब देखते हैं अभी आपको दिखाते हैं कितना प्यारा सा है। तो भाई साहब ये है रूम, ये है अपना जहाँ पे हमने अपना रूम ले रखा है। और बाकी यहाँ सामने बाइक खड़ी है अपनी, तो यहाँ चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइज ये है रूम, तो गाइज ये है रूम कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे खाना वाना खा सकते हैं या बैठने के लिए थोड़ा बहुत। और बाकी ये सामने है, ये है बेडरूम, यहाँ पे सोने के लिए मस्त बना हुआ है। तो भाई साहब मतलब कुछ इस तरह से है यार, मतलब एक ना जैसे
पहाड़ों में होता है ना, मतलब उस तरह से है, पूरा वुडन फिनिशिंग है पूरा, देखो पूरा ना, ये पूरा का पूरा वुडन से बना हुआ है। तो भाई साहब ये है, अभी चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर एक रूम ये है कि मतलब अगर जैसे फैमिली कोई है ना साथ में, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए और वहाँ पे ना बच्चे के लिए बनाया हुआ है कि अगर तीन लोग आते हैं, एक दो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा अगर आते हैं ना यहाँ पे, तो बच्चे के लिए यहाँ पे बना हुआ है, या तीन लोग अगर आ रहे हैं ना, तीन लोगों के लिए बना हुआ है, एक यहाँ और दो पर्सन यहाँ पे। तो बाकी सामने है वॉशरूम। तो फिलहाल ना गाइज आ गए हैं यहाँ पे और करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और हो रहा है ना ठंडा ठंडा, क्योंकि बगल में है ना यहाँ पे है खिड़की, तो विंडो डली हुई है बगल में ही, और हो रहा है बहुत ही खतरनाक ठंडा। तो अभी फिलहाल ना यार इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।